तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नहीं हुई, मैं भी जाता था ना पहले। वो एक भैया आते थे पहले तो बड़े से, मतलब अम्मी आते थे। सोनू? हाँ वो यही गई हूँ। जानकारी लेने आयो? कोई जानकारी लेने आयो? अरे नहीं, उन भैया से ही बात करनी थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मेरे मतलब इसका भाई है ना छोटा, उसको भी शाखा भेजना है। तो सुबह भी लगती है ना शाखा यहाँ पे। उनसे कहो ना कि वो उनसे बात करा। तो नहीं, वो भैया जानते हैं मेरे को, उनसे ही करनी थी। अरे तू उनसे कहते ना, वो अभी कहाँ है वो बता देंगे ना। राइट स्कोर तेरे को क्यों? ऐसे तो रोज ना सुबह मिलते हैं ना वो भैया, यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। सही बात। अभी बाहर गया होगा ना? टिको नहीं, अभी तो देख लिया नहीं है। मुझे पता है, मैं तो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए घंटा भर या बेड। हाँ सही बात है। ये बताओ कितना बड़ा है? वैसे 8 साल का। 8 साल कहाँ पर रहते हो साहब? ये रहता हूँ इधर पार्क में, पीछे की तरफ। हाँ पार्क के पीछे। देखे देखे से लग रहे हैं यार आप। यही कहूँ ना, रोज आता हूँ। कि 10-11 साल तक का था बस। मैंने उस तक मैंने शाखा ज्वाइन करी थी, जब हमारी शाखा वहाँ लगती थी। मैंने कहा शाखा में तो शाखा के वो तो 35 साल पहले भी यहाँ शाखा लगती थी। शाखा के चीफ तो पहलवान रहते। मैंने कहा शाखा के चीफ तो पहलवान रहते, बढ़िया कसरत वसरत करके। नहीं बेटा, मेरी तो जो है रही है ना शुरू से। हाँ वो ये मान लेते हूँ, एल्बम भी लेके जाना तो एक ही फोटो पाएगा शाखा का। नहीं नहीं नहीं, बॉडी के मामले पतला, शुरू से ही पतले हो आप, मतलब 19-21 तो अपना ही किलोग्राम है। नहीं नहीं, वजन नहीं, बॉडी। अच्छा, कभी 19 हो जाएगी, कभी 21 हो जाएगी, कभी 19 हो जाएगी। 55 के आसपास मेरा वेट चलेगा, 55-60। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, उन अंकल जी ने यानी कि बढ़िया इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा। यानी कि बहुत सारे ऐसे कम लोग मिलते हैं जो बच्चों को यानी कि इतनी रेस्पेक्ट देते हैं। और हम यानी कि ये 15 साल का और मैं 15 साल का भाई, हमारे को इतनी रेस्पेक्ट दी अंकल जी ने। अंकल जी आप हमारी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यार बहुत बहुत यानी कि आपका धन्यवाद कि आपने हमारे को इतनी रिस्पेक्ट दी। आज तक हमारे घर वालों ने भी इतनी, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले की वीडियो में वो भैया ने तो हमारे ऊपर हाथ साफ कर दिया था, लेकिन ये अंकल जी का नेचर हमें बहुत अच्छा लगा। तो इन अंकल जी के लिए बस हम यही कहना चाहेंगे कि अंकल जी बहुत बहुत थैंक यू जो आपने हमारे को इतना यानी कि बहुत बहुत यानी कि बहुत रेस्पेक्ट दी हमारे को। और बाकी क्या कहूँ, बहुत रेस्पेक्ट दी ना, उसके लिए बहुत थैंक यू अंकल जी आपको। और बाकी सॉरी, जो कि आप जानते हो कि मैं सॉरी क्यों बोल रहे हैं, हम सॉरी क्यों बोल रहे हैं। अंकल भाई बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है, तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। और जिसको भी हमारी वीडियो पे कोई गलती वलती लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जल्दी से वहां पर कमेंट कर दो। और जिसका कमेंट हमारे को अच्छा लगेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और हमारी गलतियां सुधारेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।